हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहा, वो भी बिल्कुल अलग, नए और अनोखे तरीके से। जी हाँ, ये बिल्कुल ही अलग मेथड है और इस मेथड से बना पोहा बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। पोहा वैसे तो हम सभी सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में या शाम की चाय के साथ खाते ही हैं, लेकिन आज के पोहे की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये बनी है टोमेटो के पेस्ट में। तो चलिए आज बनाते हैं स्पेशल टमाटर वाले पोहे। तो इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पोहा। ये पोहा ना बहुत ही पतला हो ना मोटा, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज वाला पोहा लिया है। अब आप कहेंगे कि इसका रंग हल्का लाल क्यों है, तो इसका रंग हल्का लाल क्यों है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ करी पत्ते, बारीक कटी हरी मिर्च, यहाँ पे मैंने दो मिर्च ली है, आप अपनी टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। एक चम्मच लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ी कटी बारीक कटी प्याज ली है मैंने, एक कप हरी मटर ली है, एक कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है ये मूंगफली दाना या पीनट्स, एक टेबलस्पून लिया है मैंने सरसों का दाना, आप चाहें तो राई भी ले सकते हैं। ऑयल लिया है मैंने पोहा को बनाने के लिए, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। नमक लिया है स्वाद अनुसार, एक टेबलस्पून मैंने चीनी ली है क्योंकि ये हमारे पोहे जो है वो खट्टे मीठे बनेंगे, एक टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और आधा टेबलस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पोहा जो है ये मैंने इसको टमाटर के पेस्ट में भिगोया है, इसलिए इसका कलर जो है वो हल्का सा लाल रंग है या हल्का गुलाबी है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पोहे को पानी में हल्का सा धो लेंगे और फिर इसको छन्नी में फिल्टर कर लेंगे ताकि इसका पानी, एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। अब देखिए, इससे हमने बिल्कुल पानी निकाल दिया है। तो अब हम ये टोमेटो पेस्ट, ये मैंने दो टमाटर का पेस्ट बनाया है, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा पोहा जो है ये टोमेटो प्यूरी को या जो हमारा टमाटर का पेस्ट है इसको बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे छोड़ने के बाद जो है वो हमें बिल्कुल ऐसा अच्छा सा मिलेगा। देखिए ये कितने अच्छे से इसने टोमेटो पेस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसका कलर भी लाइट पिंक हो गया है। तो अब आइए बनाते हैं इस टमाटर वाले पोहे को। ये देखिए, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अब हम अपने पीनट्स को इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। पीनट्स हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसको एक सेपरेट बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम सेम पैन में अपने बचे हुए ऑयल को डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, साथ ही हम डालेंगे करी पत्ते। मस्टर्ड सीड हमारे अच्छे से क्रैक हो चुके हैं तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज हमारे जल्दी गल जाए तो हम नमक भी इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए जैसा आप खाते हो। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक अनियन हमें ब्राउन नहीं करना, अनियन सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट हो जाए यहीं तक हमें पकाना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अनियन को ट्रांसल्यूसेंट होने तक पका लेंगे। अनियन हमारे ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मटर ली थी, मटर को हम इसमें मिला देंगे और इसको हल्का सा गलने तक ढक के पका लेंगे। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है तो अब हम इसको ढक के थोड़ी देर 2 मिनट पका लेते हैं। ये देखिए, मटर हमारे जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हमारे मटर। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ये अपने टमाटर वाले पोहे जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमने टमाटर वाले पोहे इसमें मिला दिए हैं और हम इसमें मिलाएंगे आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर,
और हम इसको चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस ताकि हमारा पोहा जो है वो चटपटा बने। और हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून शुगर या चीनी और हम मिलाएंगे इसमें ये हमने जो पीनट्स को फ्राई कर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। ऐसे हम इसको थोड़ा सा फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे। फ्रेंड्स तो ये हमारा पोहा तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने पोहा को बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे और हम इस पर थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये मैंने आलू भुजिया ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इससे डेकोरेट कर सकते हैं, इससे गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए तैयार है हमारा चटपटा टमाटर वाला पोहा। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आप इस पोहे को ट्राई करिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।